सो वी आर एट मेघदूत, और मैं बहुत सालों बाद आई हूँ यहाँ पे। यहाँ अभी भी टिकट 5 रुपये की है और मैं अंदर आ गई हूँ क्योंकि हम लोगों ने टिकट दे दी है। और रीजनल पार्क से छोटा बट ऑसम, पुरानी यादें। लेट्स गो। यहाँ पर फोटोग्राफर हुआ करता था, 10 रुपए का एक फोटोग्राफर। स्टूडियो वाले को बोलते थे, आजकल तो इनकी रोजी रोटी हो गई होगी। वो नंबर लिखा के जाते थे। नहीं है वो दिख रहा सामने। यहाँ पर फोटोग्राफर हुआ करते थे। और कितने सारे हैं, सब सूख गए। वो नंबर देता था ना कि इस जगह पर आके ले जाना। क्या बोल रहा है मीति? पहले फोटोज खिंचवाते थे, अभी जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे ऐसा थोड़ी इजी होता था हम लोग के टाइम में। ज्यादा कैमरा लेके 10 रुपए का एक फोटो, 10 रुपए का एक फोटो, और वो भी आपको मिलेगा 4-5 दिन बाद। जो फोन करेगा, देख पानी डाल रहा है। ऐसी पिकनिक ले आ सकते कभी ठंड में? यस, ठंड में बहुत अच्छा होगा ये। जॉगिंग ट्रैक, दिस इज द जॉगिंग ट्रैक जहाँ पर झूला झूलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बचपन से ही बहुत पसंद है यार। और ये सूखा हुआ है, ये इतना भी छोटा नहीं है। मैकडूत गार्डन रीजनल पार्क से छोटा है बट इट्स सो बिग। यहाँ पर पहले डिस्को डांस होता था। अच्छा? हाँ, म्यूजिकल वाटरफॉल था जिसमें उसको वो ही बोलते थे, म्यूजिकल वाटरफॉल था वो। उसमें कलरफुल, तो मुझे भी याद है। सी कैमल, गाने बजते थे? नहीं बजते थे गाने, उसमें गाने सिर्फ लाइट जलती थी और पानी निकलता था। गाने नहीं, उसमें गाने बजते थे और कल नहीं बजते थे ना। गाने बजते थे उसमें, डू कमेंट उसमें गाने बजते थे कि नहीं। मेरे हिसाब से गाने बजते थे। सुलभ शौचालय भी अंदर अगर सुसु जाना तो फ्री है वो, उसके बाहर लिखा अपना घर अपनी खाद और फ्री मूत्रालय। स्वच्छता ही हैट्रिक। हो सकता है कि आप जहाँ पर बैठे हो इस घास में उसमें आप ही की योगदान रहा हो। नहीं, मैंने इस पार्क में सुसु करी है बस, पॉटी नहीं किया। यहाँ पे मोस्टली लव बर्ड्स बैठे हुए हैं और ये भी सूखा हुआ है क्योंकि हम लोग मई में आए। और ये रहा हमारा दोस्त नेशनल बर्ड पीकॉक। पीकॉक, हाय, व्हाट्स अप, वेयर आर यू गोइंग? भाग गया वो। हे डूड, वेयर आर यू गोइंग? तो यहाँ जो वाटरफॉल है उसकी हालत कुछ ऐसी है जो कि थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओवरऑल पार्क बहुत क्लीन है बट द वाटर इज नॉट क्लीन। इससे बहुत मच्छर होंगे डेंगू के। साफ पानी जा रहा है बट गंदा पानी में ही मिक्स हो रहा है। हम लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं कि वो म्यूजिकली वाली जगह कहाँ है। आई थिंक इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको, बट मुझे लग रहा है और मीति को कि शायद से ये गुफा में नहीं है। वहाँ पे भी सो आई वुड लाइक टू से कि मेघदूत एक्चुअली इंदौर का सबसे पहला पार्क है और इंदौर तीसरी बार नंबर वन आया है। बट एज़ यू कैन सी ये पूरा एरिया गंदा पड़ा है। सो देर आर सम एरियाज जहाँ पर एक्चुअली गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लोग नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट का काम है साफ सफाई करना। और अगर सिर्फ मेन मेन एरियाज़ में सफाई हो रही है और कुछ एरियाज़ को अवॉइड करके वहाँ गंदगी है, लाइक फाउंटेन में गंदा पानी है, सो इट्स नॉट आर मिस्टेक, इट्स गवर्नमेंट्स मिस्टेक क्योंकि उस चीज़ों की दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ। सो आई थिंक आई रिक्वेस्ट जो भी ये वीडियो देख रहा है एटलीस्ट
हम लोग इतना इनिशिएटिव लें कि या तो कोई ग्रुप आके यहाँ पर सफाई करे परमिशन लेके, या फिर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की जाए कि यहाँ पर थोड़ी सी सफाई और करी जाए, बिकॉज इंदौर स्वच्छ है और आई थिंक इट डिज़र्व्स बेटर. सो मेघदूत पार्क आई विल गिव यू 3 स्टार्स जस्ट बिकॉज नॉस्टैल्जिया, बचपन की यादें. बट साफ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बैम. इतना प्यारे हैं, सी दिस सो ऑसम, दिस इज सो ऑसम. हाँ, एंड यहाँ पर इंदौर एरोबिक जुम्बा क्लासेस मेघदूत 6:15 से 8 बजे तक रहता है मॉर्निंग में, और इट्स फ्री. सो अगर आपको आना है तो यू कैन कम. एंड यस, द झरना, द वाटर फ्लो चालू हो गया है फाइनली, क्योंकि चैनल का नाम पूर्वी मनमी ट्रिकी टीवी हो गया है, एज यू गाइस नो. यस, बिकॉज पूर्वी इज ऑल द टाइम ऑन द व्लॉग एंड मैं कभी कर आता हूँ. सो हम ये कह रहे थे कि अब झरना चालू हो गया है, सो लेट मी शो यू हाउ रिलैक्सिंग इट इज. तो ये बाहर का एरिया है और यहाँ पर सैटरडे संडे 10 रुपीज़ टिकट है, अदरवाइज़ आपको वीकडेज पे 5 रुपीज़ है, वीकेंड्स पे 10 रुपये है. और मैंने ऐसा सुना है कि जो भी यहाँ की जो स्टॉल्स लगी हैं, चार चौपाटियाँ, ये डिस्पोजेबल फ्री है, ऐसा मैंने सुना है, बट आई एम नॉट श्योर. और बहुत रश है यहाँ. सो आई होप यू गाइज हैड फन. और ये वीडियो 4K में इसलिए नहीं था क्योंकि 4K लाइक माहौल नहीं था, और 4K लाइक अभी फिलहाल गार्डन नहीं है. जब ये होगा तो हम लोग इसको 4K वाला बनाएंगे. एंड इफ यू वांट अस टू मेक इट, देखा मम्मी को मोर देखा. और अगर आप चाहते हो कि हम ये वीडियो 4K में बनाएं, और हम और उधर ये. सो अगर आप चाहते हैं कि हम ये वीडियो 4K में बनाएं, कमेंट डाउन बिलो, विल मेक इट इन 4K. एंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज पूर्वी मनमीत ट्रिकी टीवी. सो ये दिख तो नहीं रहा है पर जगह जानी पहचानी लग रही होगी आपको, बिकॉज 3 महीने पहले हम लोगों की यहाँ से शादी हुई है. यस, हम लोगों को 3 मंथ्स हो गए हैं शादी को. एंड यस, वी आर एट होटल श्री माया. ये और मीत मम्मा को मिले 3 महीने हो गए, दामाद मिले और माथी को बहू. वही बोला मैं भी. सो हम लोग यहाँ पर आए हैं डिनर करने, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी. लेट्स गो इनसाइड. एंड दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द श्री माया रेस्टोरेंट, जहाँ हम लोगों की शादी हुई थी वो वहाँ था और हम यहाँ हैं. गुड इवनिंग. एंड यस, ठंडा बाहर, बहुत गर्मी है. एंड दिस इज श्री माया एबी रोड वाला.
तो वहाँ से मैं आई थी और मैं उस साइड गई थी और मेरी शादी हुई थी और वो सिंह साहब द मैनेजर ऑफ दिस होटल एंड यस व्हाट ओके थैंक यू. हम लोगों का डिनर आ गया है. एज यू नो मुझे नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए नूडल्स और यहाँ का छोला भटूरा पसंद है माती को और मम्मा को. और सिज़लर आया नहीं है मीती के लिए और मेरा लाइम सोडा भी नहीं आया. सो मिलते हैं ब्रेक के बाद. सो मीती का भी सिज़लर आ गया एंड द सिज़लर इज सिज़लरिंग सिज़लिंग 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 सिज़लरिंग.